आप दीजिए। होम रूल मूवमेंट भारत में आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। तो होम रूल मूवमेंट है क्या? आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है उसको इंग्लैंड ने गुलाम बना लिया। आयरलैंड सेल्फ गवर्निंग की बात करने लगा। तो लंबे अंतराल के बाद जिसमें संघर्ष त्याग बलिदान शामिल है, आयरिश को होम रूल का अधिकार मिला, मतलब सेल्फ गवर्निंग का अधिकार। भारत में भी अर्ली और रेडिकल नेशनलिस्ट 1914 के बाद सेल्फ गवर्निंग की बात करने। यह प्राप्त कैसे होगा, इसके लिए दो महापुरुष ने भारत में बहुत बड़ा प्रयास किया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दूसरे थे आयरलैंड की एक बहुत ही विद्वान और प्रखर महिला, जिनका नाम है मिसेज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट साउथ इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट की, फैलाने का प्रयास किया और हाँ वो मद्रास में आके रिलीजियस पर्पस से रुकी थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के दुख और तकलीफ को देख के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास किया सकारात्मक रूप से। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र कर्नाटक के अलावे और सारे एडजॉइनिंग एरिया उत्तर भारत में भी होम रूल मूवमेंट के बढ़ाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। उन्होंने अपने समाचार पत्र तिलक और केसरी के माध्यम से लोगों को होम रूल लीग मूवमेंट और उसके इम्पोर्टेंस को बताने का सार्थक प्रयास किया। इसी के कारण भारत में होम रूल लीग मूवमेंट एक समय क्लाइमेक्स पर था।